इस कैलाश पर शिव पार्वती ने देखा था श्री राम और रावण का युद्ध। महाशिवरात्रि पर अनुष्ठान करने से पूरी होती है मान्यता। शिव सत्य है, शिव अनादि है, शिव भोले हैं, शिव ओमकार हैं और शिव ही ब्रह्म हैं। सदियों से शिव की कृपा पाने के लिए भक्त नाना विधियों से शिव को प्रसन्न कर अपनी मन चाही मुराद पाते रहे हैं। कहते हैं शिव भोले हैं, वो जल्दी ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सभी देवी देवताओं में शिव की कृपा पाना सरल माना जाता है। महाशिवरात्रि जैसे शुभ अवसर पर तो भक्त शिवजी की कृपा पाने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। अब घर से लेकर नागा साधु पूरे साल इस विशेष दिन का इंतजार करते हैं। आपको बता दें कि इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च को पड़ रही है। देश भर के शिव मंदिरों में अभी से इस खास उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करते हुए धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और वहीं शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सबसे पहले महाशिवरात्रि पर ही शिवलिंग रूप में सामने आए थे। भगवान शिव अपने में अनेक रहस्यों को समेटे हुए हैं। गले में सांप, सर पर माता गंगा और साथ में शिव गणों की लंबी फौज लेकर चलने वाले शिवजी से जुड़ी दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जिनके रहस्य सुलझाने आज भी बाकी हैं। महाशिवरात्रि है तो शिवजी के निवास स्थान माने जाने वाले कैलाश पर्वत को लेकर भी श्रद्धालुओं के मन में जिज्ञासा काफी बढ़ जाती है। लोगों का मानना है कि इस दिन कैलाश के आसपास एक नई तरह की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसी जगह है जहां एक और कैलाश पर्वत स्थित है और ये पर्वत कहीं और नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। हालांकि कैलाश जितना विशाल नहीं होने का कारण इसे छोटा कैलाश पर्वत कहा जाता है। वहीं भक्तों की अपार श्रद्धा के कारण यहां पर प्राचीन काल में एक भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया गया जहां हर साल काफी धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। मंदिर नैनीताल के पिनरो गांव की एक पहाड़ी पर स्थित है। हालांकि मंदिर के बारे में और उसकी प्राचीनता को लेकर कुछ रहस्य अभी भी बरकरार है। छोटा कैलाश मंदिर की पहाड़ी आसपास की दूसरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची है और वहीं इस कैलाश मंदिर के रास्तों से गुजरते हुए आपको एक अलौकिक अनुभव होगा। इस जगह की सबसे खास बात जो कही जाती है वो ये है कि यहाँ से ही माता पार्वती और भोलेनाथ ने राम रावण का युद्ध देखा था और वहीं पांडवों ने इस पर्वत की चोटी पर एक रात भी बिताई थी। महाशिवरात्रि के दौरान हर साल यहाँ पर देश भर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है और मंदिर को लेकर मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नैनीताल के भीमताल में स्थित इस छोटे कैलाश को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती ने अपनी कैलाश पर्वत की यात्रा के दौरान विश्राम किया था और वहीं इस पावन जगह पर भगवान शिव ने धूनी भी रमाई थी। कहा जाता है कि तभी से इस स्थान पर अखंड धूनी जलाई जा रही है। इस स्थान के महत्व को देखते हुए महाशिवरात्रि की रात छोटे कैलाश में श्रद्धालु रात भर अनुष्ठान, पूजा पाठ, भजन कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करते हैं।